फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए मॉडल पेपर वन। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए, तो टाइम को वेस्ट किए बिना देखते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए रहेंगे, आप लोग बताएंगे कितना आप सही जवाब दे रहे हैं और इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखते चलिए और नहीं याद है तो आप याद करते चलिए साथ में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो किस कहानी में, आप लोग पढ़े होंगे कहानी तो आप लोग जवाब दे चुके होंगे अब तक। तो फर्स्ट नंबर है रोज का, या ओ सदा नीरा का, और सी में है एक लेख और एक पत्र, और डी में उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था का है, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता बिना लड़े सिपाही, उसने कहा था, याद रखना फ्रेंड। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कुहासा शब्द कैसा शब्द है। तो कुहासा शब्द आप लोग कैसा शब्द है तो याद रखना है कुलिंग, कैसा शब्द है कुहासा शब्द, कुलिंग। घी कैसा शब्द है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा है, तो घी कैसा है तो कुलिंग है, कैसा शब्द है तो कुलिंग। फोर नंबर है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है वो सदा नीरा, और बी में सिपाही की माँ, और सी में है अर्धनारीश्वर, और डी में है परगित और समाज। तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर सी। फाइव नंबर क्वेश्चन है, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। तो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद हो जाता है यथा, यथा जोड़ ईष्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यथा जोड़ ईष्ट। सिक्स नंबर है, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद होता है। इसका फ्रेंड्स होता है प्रातः जोड़ काल, प्रातः जोड़ काल। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। सेवन नंबर है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है भगत सिंह का है, या बी में है मोहन राकेश, नामोर सिंह, जय कृष्णमूर्ति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग बताएंगे कॉमेंट में। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर ए है, भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। एट नंबर है डॉक्टर शब्द है। तो डॉक्टर कैसा शब्द है, तो विदेशक, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ उन्हें क्या कहते हैं, विदेशक शब्द कहते हैं। तो वैसे भी डॉक्टर क्या है, विदेशज, ऑप्शन नंबर बी। नाइन नंबर है, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं, तत्सम, तत्भव, देशद, विदेशद होते हैं फ्रेंड्स। टेन नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे कौन जगह दिए थे, ऑप्शन ए में मुखिया ने, ग्रामीणों ने, मठ के महंत ने, उनके भाइयों ने। तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, मठ के महंत ने, ऑप्शन नंबर सी। इलेवन नंबर आप लोग बता सकते हैं, अधपक्का शब्द में उपसर्ग है। तो अधपक्का शब्द में क्या उपसर्ग है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर अध पक्का। तो इसका मतलब तोड़ेंगे यदि तो अध और पक्का, जिसे कोई अर्थ निकल सके, जैसे आधा होता है ये पक्का होता है, यानी इसी को अध क्या हो जाएगा, उपसर्ग, जो पहले रहता है उपसर्ग और लास्ट में रहता है वो प्रत्यय होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नीडर शब्द में उपसर्ग है। तो इसे हम बता सकते हैं नीडर शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो नी, क्या हो जाएगा, नी, क्योंकि नी डर, और डर से यहाँ से एक अर्थ लिख रहा है डर, आई नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। तेरह नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तेरह नंबर बोल रहा है, सिपाही की माँ एकांकी की बिसनी, एकांकी की
विष्णु चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी है। मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? जो सिपाही की माँ है एकांकी की विष्णु चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी है वह क्या करती दिखाई देती है? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे या सुने होंगे तो आप लोग के पता होगा कि सूत काटती हुई दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड, सूत काटती हुई। तो याद रखना फ्रेंड, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें से कई प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 14 नंबर है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ऑप्शन ए में है अवधी के, खड़ी बोली, ब्रज भाषा के या मैथिली के। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड? 14 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा राइट आंसर फ्रेंड्स। 15 नंबर, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो त्रिफला, यहाँ पे तीन फल है तो त्रिफला जहाँ पे अंग का बात होगा वह कौन सा समास होता है फ्रेंड? आप लोग पढ़े होंगे समास तो आप लोग बता देंगे, आंसर हो जाएगा द्विगु समास, जिसमें अंग का बात होगा जैसे तीन, पंचफला, त्रिभुवन, ये सब कैसे समास है? तो द्विगु समास में आता है। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है वन मानुष शब्द कौन सा समास है? तो वन मानुष शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाता है फ्रेंड्स। वन मानुष कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 17 नंबर, होली शब्द कैसा है? तो होली शब्द कैसा शब्द है? तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तत्सम है या तत्भव या देशज है या विदेशज है। होली शब्द कैसा है? तो तत्भव है। कैसा है? इसका राइट आंसर तत्भव हो जाएगा। होली कैसा शब्द है? तो तत्भव, तद्भव, कौन सा? तद्भव, ऑप्शन नंबर बी। हमें उम्मीद हुआ कि आप लोग को सही, आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बरवाय रामायण किसकी रचना है? तो बरवाय रामायण किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो 18 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में देखा है नंदादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो तुलसीदास। बरवाय रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। 19 नंबर, ऊंच शब्द का विलोम होगा तो ऊंच शब्द का विलोम कौन सा हो जाता है? तो उसका उल्टा शब्द पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ऊंच के हो जाता है नीच, आप लोग बताए होंगे। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें फ्रेंड, ताकि इस तरह वीडियो आप तक पहुंच सकें। और 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवरण शब्द का विलोम होगा तो आवरण शब्द का विलोम हो गया यानी उल्टा शब्द अनावरण हो जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर देखेंगे, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, मर्यादा के स्थान पर क्या है? तो ऑप्शन ए में रहेगा श्रृंगार पुट था, या करुणा का पुट था, या माधुर्य भाव का पुट था, दुराग्र का पुट था। आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव का पुट था। 22 नंबर है, मरण तक के लिए एक शब्द है, तो मरण तक के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आमरण, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर आमरण।